जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। तो बहुत अच्छी खबर आप सभी लोगों के लिए है कि SSB कांस्टेबल, टेस्टमैन और ड्राइवर की जो पोस्ट निकल के आ रही है उसके जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि आज ही के दिन आपके जो फॉर्म है भरने स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि 29 अगस्त 2020 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इनका वेबसाइट ओपन कर रखा हूँ, SSBREC.TT.UV.IN की वेबसाइट है। इसका लिंक मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जिस तरीके से आप इस तरीके से पेज ओपन होता है और उसके बाद आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर इसका लिंक दिया गया है। क्लिक हियर द पोस्ट ऑनलाइन फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेस्टमैन SSB। तो यहाँ पर इन्होंने लिंक भी दे दिया, एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और एक आपको यहाँ पर नोटिस देखने को मिल जाता है, जो कि आपको एक नोटिस जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सिंपल आपको यहाँ पर एक किस पे क्लिक कर देना है जो आपको यहाँ पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक जैसे करते हैं तो आपका पेज इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर नोटिस और सर्कुलर यहाँ पर दिया गया है, जो आपको नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा नंबर आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड निकलना है, जो कि 181 पोस्ट आई थी 2018 में उसकी है। और तीसरा नंबर आपकी जो बात कर रहा हूँ ट्रेड्समैन की, तो सिंपल तीसरे नंबर पे क्लिक कर देना है। जैसे से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सभी पोस्टों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आपका ड्राइवर की निकल रही है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का निकल रहा है, वेटनरी आया, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बारबर, सफाई वाला, वाटर करियर और वेटर की पोस्ट देखने को मिल जाती है। स्टार्टिंग डेट आपकी 29 अगस्त 2020 है, लास्ट डेट आपकी 27 नौ 2020 है। मैं बात कर देना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो एज की काउंटिंग की जाएगी आपकी लास्ट डेट से की जाएगी, यानी कि 27 सितंबर 2020 से की जाएगी। उसके बाद अप्लाई का लिंक है, अप्लाई पे आपको क्लिक कर देनी है। मैं बात कर देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग फॉर्म आज फिल मत बिल्कुल मत करिएगा, आपको 2-3 दिन वेट कर देना है। 2 दिन वेट करने के बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको गलती नहीं होना चाहिए। आप नोटिफिकेशन खुद रीड करिएगा, अच्छी तरीके से करिएगा, क्योंकि अभी वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, तो कभी गलती हो सकती है, कभी गलती नहीं भी हो सकती है। तो आप 2-3 दिन बाद आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला ऑप्शन मिल जाता है आपका एडवर्टाइजमेंट का, तो यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। मैं बता देना था, जो मैंने आप नोटिफिकेशन दिखाया था वही नोटिफिकेशन, कुछ भी चेंजिंग इसमें नहीं है। जो कि आपको यहाँ पर डेट भी दिखाऊँ तो नोटिफिकेशन का डेट वही है जो मैंने आपको दिखा 28/7/2020। तो जो मैंने आपको दिखाया था वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है दूसरा नंबर, इंट्रैक्शन टू द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको सिंबल क्लिक कर देना है। इसके बारे में दिया गया है कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना, पार्ट कितने पार्ट में फॉर्म फिल करने हैं, पार्ट 3 में फिल करने हैं। पहला नंबर पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट अप्लाई करना है उसको आपको डालना है। उसके बाद दूसरा नंबर अपना नाम, फादर नेम, इन सब के बारे में दिया गया। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है पार्ट 2 में आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहेगा। तीसरा नंबर आपको पेमेंट करने हैं, ये आपका इंट्रक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा नंबर, यहाँ पर हाउ टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से आपको सिग्नेचर यहाँ पर देने हैं और अपना फोटोग्राफ लगाना है। इस तरीके से आपका फोटोग्राफ को लगाना साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, आपको 6 मंथ से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत स्मॉल भी ना हो। उसके बाद अपना सिग्नेचर इस तरीके से होना चाहिए और इसके बारे में किस फॉर्मेट में उसको भी आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मैंने आपको इंट्रक्शन दिखा दी, अब आपका एडवर्टाइजमेंट आपका जो वो आपको मैं ले चलता हूँ, ठीक है। तो सेम वही चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट आपको 1522 है और यहाँ पर आप इस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर में केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। 10% वैकेंसी जो है एक्सप्रेस मैन के लिए रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर पे स्केल आपको 21,700 रुपये लेकर 29,100 रुपये तक मिलने वाली है। आपको जो फॉर्म भरने हैं वो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, ना कि ऑफलाइन फॉर्म भरने। यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म का फॉर्म भरने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ दी गई है जो कि आपकी एज और क्वालिफिकेशन की। यदि आप ड्राइवर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 21 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। जनरल के लिए 5 साल 3 साल की छूट मिल जाती है, आपको मिल जाती है SST OBC वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप ड्राइवर अप्लाई कर रहे हो तो आपका सिंपल 10 पास होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपके हाईवी का लाइसेंस होना चाहिए, हाईवी का लाइसेंस आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लियर हो चुका होगा कि आपका हैवी का जो लाइसेंस लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, सिंपल 10 पास है तो उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट का 18 से 25 वर्ष की गई। और मैं बात करते हैं सभी पोस्टों की जो लास्ट डेट, यानी कि आपकी एज काउंटिंग जो की जाएगी आपकी 27 सितंबर 2020 से ही की जाएगी।
सभी पोस्टों में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया, बिना एक्सपीरियंस का आप अप्लाई नहीं कर सकते। बस एक पोस्ट यहाँ पर दी गई है जो कि आपकी कांस्टेबल वेटनरी का है, सिंपल 10 पास हैं तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं और उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि ये आपका जब प्रैक्टिकल होगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप फेल हो जाओगे। तो ऐसा ना हो कि आप इसमें भरो फिर ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं से बनवा लीजिए, लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो सही बनवाइएगा, फेक बिल्कुल मत बनवाना, ठीक है? फेक बिल्कुल मत बनवाइएगा। तो यहाँ पर सब लोगों को बता दिया कि सिंपल 10 पास, उसके साथ ITI 1 साल का, या आपका 1 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सिंपल 10 पास और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहे जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? तो बात आप समझ चुके होंगे। और उसके बाद लास्ट डेट की मैं बात करूँ, लास्ट डेट आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपका 27 सितंबर 2020 है। 5 साल 3 साल के छूट आप लोगों को मिल जाते हैं आपको OBC ST वालों के लिए, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं नीचे, नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपकी चीज़ दी गई है, और नीचे यहाँ पर 100 रुपीज़ फीस पेमेंट देने हैं जनरल EWS और OBC वालों के लिए, और जो अदर कैटेगरी हैं जैसे कि आपकी SST और फीमेल के लिए आपको फ़ीस नहीं देने हैं, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। यहाँ पर ये यह बात हो गई। उसके बाद आ जाते हैं नीचे Part 2 Part 3। उसके बाद आपका पहला नंबर PTN PST होने वाला, जिसमें आपको मेल वालों के लिए 408 किलोमीटर की रेस 24 मिनट कम्प्लीट करनी है, फीमेल वालों के लिए आपको 2.4 किलोमीटर 18 मिनट कम्प्लीट करने हैं। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्डाइजेशन का हाइट वेट चेस्ट देखा जाएगा। हाइट आपको जनरल में अप्लाई करते हैं आप 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बात 80 से 85 होनी चाहिए। आप लेबोरेटरी असिस्टेंट में अप्लाई कर रहे हो तो आपका हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर कारपेंटर, प्लम्बर, गार्डनर, इन सब की जो हाइट होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 78 से 83 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद रिटन एग्जाम आपका होगा। थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट्स एंड स्किल टेस्ट होंगे, यानी कि 3 बार में आपका होगा। यानी कि पहली बार में आपका एडमिट कार्ड जब आएगा PTN PST होगा, दूसरी बार में आपका रिटन एग्जाम होगा, तीसरी बार में आप सभी लोगों का जो होने वाले हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स एंड स्किल टेस्ट होगा, ठीक है? तो ये आपकी हो गई। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो हमारा है लैपटॉप थोड़ा सा लग रहा है कि ये हैंग कर रहा है, तो मैं बात करता डॉक्यूमेंट्स एंड स्किल टेस्ट का। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट स्किल टेस्ट होंगे 3rd बार में, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद री मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की जाएगी। तो ये प्रोसेस है। आगे मैं आप सभी लोगों को अच्छी सी वीडियो लाने वाला, जैसे कि आपके हम किस तरीके से अप्लाई करना, क्या क्या उसे मांगा जा रहा है, आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं दूसरा नंबर, जो आपका लास्ट डेट है, कैसे आप निकालेंगे हमारा लास्ट डेट है, तो हम मैं इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो आपको वीडियो आने वाली है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, थोड़ा सा हमारा लैपटॉप थोड़ा सा लग रहा है कि ये हैंग कर रहा है, थोड़ा सा मुझे फॉर्मेट करवाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी वीडियोज़ बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब लोग हमारे बात समझ चुके होंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पर आपको इसका लिंक जो है सब कुछ मिल जाएगा। आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।